इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि शिल्पा जी ने करुणा रेखा सीखने के बाद उन्होंने हादू सिंबल का मैक्सिमम यूज करके इन्होंने लोगों का और अपना हीलिंग किया है। अब देखिए किस तरह से पहले जोनर सिंबल बनाते थे तो कैसे बनाते थे, ये होगा 1, 2, 3 जी बनाया, वेरी गुड। फिर हम बाहर से अंदर आते थे, इसमें डायरेक्ट बीच में से इन्फिनिटी का साइन बनाना है 3 बार, 1, 2, 3 हुआ। फिर देखिए यहां से डमरू बनाना है आपको, ऊपर से लाइन खींच के बीच में लेके आइए, नीचे से ऊपर, वेरी गुड, और नीचे से लाइन बना के ऊपर लेके आइए, डमरू बन गया। अब इसके ऊपर पिरामिड बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, लेफ्ट से ये यहाँ आया और यहाँ आया, पतंग का आकार भी बना है आपके सामने, और ऊपर आपको गोल, हाँ गोल बनाना है, पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, मतलब ये जोनर सिंबल का एक्सटेंडेड वर्जन है, जोनर सिंबल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं तो कहता हूं कि इसमें डमरू भी है, ऊपर पिरामिड भी है, तो ये जोनर के सारे हीलिंग टास्क बहुत क्विकली करता है। तो इसलिए मैंने लिखा है इट बूस्ट करता है द पावर ऑफ जोनर, इट हील्स ऑल 7 चक्रस। अगर आप किसी के 7 चक्रों पे हालो सिंबल डाल के हीलिंग करेंगे तो उनके 7 चक्रों को हीलिंग मिलेगा। यस, आपको 7 चक्रस पे, या 1 by 1 7 चक्र पे जाना है, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, इसमें जाता है थर्ड आई चक्र पे जाता है, ऑल चक्र, वेरी गुड। जोनर सिर्फ थर्ड आई पे था, ये ऑल चक्रस। आपको लगता है कि 7 चक्रों को बैलेंस करना है, किसी के 7 चक्रों में इम्बेलेंसेस है, तो 7 चक्रों पे हाथ ले जाइए, जोनर सिंबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2 उंगली से जोनर, सॉरी यहाँ पर हालू बनाना है, 7 चक्रों पे हालू बनाएंगे, हालू पहले सिंबल बनाना रहेगा तो बना लीजिए, और बनाते बनाते बोलेंगे तो भी बहुत बढ़िया है, हालू 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 हालू, जैसे कि मैं अभी आपके थर्ड आई चक्र पे दे रहा हूं, थोड़ी सी हीलिंग भी लीजिए, आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाहर निकालिए। थैंक यू रेखी शक्ति सर जी को हिल करने के लिए, सर जी के थर्ड आई चक्र को हिल करने के लिए, हालू 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 हालू। थैंक यू रेखी शक्ति फॉर हीलिंग। मन में रिपीट करते जाऊंगा मैं जो मुझे बोलना है, अफर्मेशंस, आपको मैं क्यों हिल कर रहा हूं, आप आंखें खोल के मेरे दोनों हाथों को भी कॉन्सेंट्रेट करके देख सकते हैं, दोनों हाथों को भी कॉन्सेंट्रेट करके देख सकते हैं। और अगर हीलिंग मिलती है तो सही, यस जा रहे, वेरी गुड। वैसे मैं आपके थ्रोट चक्र को भी हालू दे सकता हूं, हालू 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 हालू। मन में अफर्मेशंस मेरे चल रहे हैं, वेरी गुड। सो बाय दिस वे हम हिल कर सकते हैं, मतलब जोनर सारे जोनर के सारे काम हालू करता है, क्योंकि ये डमरू भी बना, ऊपर पिरामिड भी बना। इट हील्स ऑल 7 चक्रस, हील्स अवर ओरा। कैसे ओरा को हिल करना है मैं भी आपको बताता हूं, इट हील्स मेंटल इम्बेलेंसेस। अगर कोई मानसिक रूप से मानसिक तरीके से बहुत परेशान है, बहुत, तो आप हालू सिंबल का यूज कर सकते, वही है मतलब जोनर का एक्सटेंडेड वर्जन, पर यहाँ पर सहेकी के साथ करना है। अच्छा। मतलब जब आप उसके थर्ड आई चक्र पे रेकी देंगे तो हालू के साथ 30 सेकेंड्स के बाद तुरंत दूसरा सिंबल मारिएगा,
तुरंत तुरंत मत मारिएगा, 30 सेकंड के बाद तुरंत मार सकते हैं, या मैं कहूंगा 1-1.5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद मारा तो बहुत अच्छा है। इमोशनली अगर कोई बहुत हर्ट हो गया और उसके वजह से वो मेंटली प्रॉब्लम में है, अगर कोई लड़का है, किसी लड़की ने उसको ना बोल दिया और वो हैवी डिप्रेशन में चला गया, किसी ने कुछ सुना दिया है, कुछ मर्डर होते हुए देखा, या ऐसी कोई चीजें उसके सामने घटी है, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज में बच गया है और वो अगर हमारे पास आता है, सो हम ऐसे कंडीशन में हम उसके थर्ड आई चक्र पे इंस्टेड ऑफ जोनर आलू देंगे 30 सेकंड्स के बाद, मैं तो कहता हूँ 1.5-2 मिनट के बाद दीजिए, सह के सिंबल देके उसको हम हील कर सकते हैं। फ्रंट और बैक थर्ड आई चक्र पे दोनों पे दे सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि उस पे, देखिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक को नजर लगी है ऐसा डाउट है किसी को, तो उसके थर्ड आई चक्र पे हमको देना है। उसको डाउट है यार ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं है, आपको पता है, अगर ऐसा है तो हमारे पास रामा करके सिंबल है, बट अगर ऐसा नहीं है, उसको डाउट है, तो उसके मन में से वो डाउट निकालने के लिए आप उसके थर्ड आई चक्र पे भालू सिंबल यूज कर सकते हैं। नजर लगी है या भूत प्रेत बाधा उस पे आ गई है, लाइक ऐसा कोई डाउट है, उसके मन से निकालना ही पड़ेगा, और निकालने के लिए आप जिस सिंबल का यूज करेंगे वो है आलू। ट्रोमा, निंदनीय कुकर्म, अगर किसी के साथ निंदनीय कुकर्म हो गया, मतलब किसी के साथ रेप हो गया है, या कोई ऐसी घटना घटी है जिसपे उसको टॉर्चर किया है, मानसिक अत्याचार हुआ है, वो निर्दोष था पर पुलिस ने उसको पकड़ के उसको टॉर्चर किया, लाइक कुछ भी हो सकता है, उसको डिटेन किया गया था, किडनैप कर लिया था, उसको भी हम ये हालू दे सकते हैं, या किसी को किडनैप करके रखा था किसी ने और बाद में वहां से डिटेनमेंट में से बाहर आया तो वो ट्रॉमा में चला जाता है, या किसी ऑफिस में काम करने वाला बंदा भी कभी कभार वर्क प्रेशर की वजह से ट्रॉमा में जा सकता है, तो वहां पर भी हम थर्ड आई चक्र पे और सैक्रल चक्र पे, जैसे अगर निंदनीय कुकर्म है जैसे रेप वगैरह है, तो थर्ड आई चक्र और सैक्रल चक्र प्लस सही की, मतलब थर्ड आई चक्र और सेक्रल चक्र पर 1 by 1, पहले थर्ड आई चक्र पर आलू क्यू कपल ऑफ मिनट्स के बाद सही की, फिर सेक्रल चक्र फ्रंट और बैक आलू और सही की, और अगर नॉर्मल ट्रोमा है तो ओनली थर्ड आई चक्र और आप क्राउन चक्र के ऊपर सही की और आलू दे सकते हैं। अच्छा, क्राउन पे भी दे सकते हैं? यस, क्राउन पे भी दे सकते हैं, बट थर्ड आई चक्र इनफ है, क्योंकि विलियम ली रैंड जी का मानना था कि पिनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने पिनियल ग्लैंड को क्या काफी इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए करुणा रेखी में हीलिंग थर्ड आई चक्र पे ज्यादा होती है, क्योंकि ये मानसिकता और इमोशन को हील करता है। हर फिजिकल प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम, तो विलियम ली रैंड जी ने मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम को हील करने के लिए थर्ड आई चक्र पे हीलिंग को ज्यादा फोकस किया है। इज इट क्लियर? तो हालू बनाने का तरीका भी मैंने बताया आपको, और आप इस तरह से हालू बनाएंगे, पर ये जो हील्स और ओरा को हिल करने का जो तरीका है,